वो एक प्राइवेट दुकान खोल कर बैठ चुके हैं। प्राइवेट दुकान के साथ साथ वो टिकट बेचने का भी काम लगातार कर रहे थे 2020 के विधानसभा चुनाव में भी, जो ये दिखावा करते हैं कि मेरे पास मुंबई से मैं आया हूँ, बिहार के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, मैं समाज का नेता बनना चाहता हूँ, कुछ नहीं करने वाला है। इन्होंने बिहार की जनता को सिर्फ ठगा है और ये अपने सत्ता के लालच के लिए किसी को भी ठग सकते हैं। ये बस एक ठग नेता है। कल तक मौसा कोई और था, आज कोई और बन चुका है। लेकिन मुकेश सहनी जी का सीधा कहना था कि हम जो करेंगे अकेले करेंगे, हम दुकान चलाते हैं अपना, अपने दुकान के माध्यम से ही लोगों को ठगेंगे। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी की जो मुश्किलें हैं वो कम होने के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अब उन पर एक नया आरोप लगा है और ये आरोप लगाने वाला किसी और दल का नेता नहीं, कोई और नहीं, बल्कि वीआईपी का ही नेता बताया जा रहा है। आपको बताते चले कि छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष विकास बॉक्सर मुकेश सहनी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जी हां, मीडिया के सामने आकर वो साफ तौर पर मुकेश सहनी के बारे में बता रहे हैं कि विभाग में ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर मुकेश सहनी बड़ी रकम वसूला करते थे। यानी कि मुकेश सहनी ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले में वसूली करते हैं अवैध तरीके से, और अब उसी पैसे को यूपी चुनाव में खर्च कर रहे हैं। जी हाँ, जरा सोचिए, एक नेता के लिए ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी आरोप है। जरा सोचिए कि उन्हीं के दल के नेता, कोई और तीसरा नहीं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि नेता एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं जबकि वो दूसरे दल में होते हैं, दूसरे पार्टी से आते हैं। लेकिन यहाँ एक ही पार्टी के दो नेता, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक प्रदेश अध्यक्ष, छात्र प्रदेश अध्यक्ष है, और वो अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि वो वसूली किया करते थे ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर, और उसी वसूली किए गए पैसे से यूपी चुनाव में खर्च कर रहे हैं, यूपी चुनाव में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, खुद सुनिए कि वो क्या कुछ बोल रहे हैं। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी जी के खिलाफ में, अभी बिहार सरकार में वो पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री में है, मंत्रालय में है। उनके द्वारा जुलाई महीने में एक लिस्ट निकाला गया था 109 लोग का, पहला लिस्ट। वैसा उनके पास 5 लिस्ट और निकला था जिसमें करोड़ रुपया का घोटाला किया गया। हर एक लोगों से ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पर लाखों रुपया करोड़ रुपया का वसूली किया गया और उसी पैसा का दुरुपयोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाकर किया गया। एक बात अब बताइए कि जिस तरीके से जब ये एनडीए में थे, जब ये यूपीए में थे महागठबंधन में, तो मौर्य लोक में होटल में जाकर बोले कि राजद ने हमारे पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है। सबसे बड़ा खंजर भोंकने का काम मुकेश सहनी जी ने किया है। वीआईपी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, हमारे साथ बैठे हुए हैं निषाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश निषाद जी, इनके साथ साथ जितने भी मलाह समाज के लोग हैं, निषाद विकास संघ के जो लोग हैं, सबको ठगने का प्रयास, अन्य जातियों के साथ ठगने का प्रयास मुकेश सहनी ने किया है। करोड़ रुपया लेकर अपने पशुपालन और मत्स्य मंत्रालय को, जो भी उनके द्वारा जो भी किया गया, मतलब गाड़ी बांटा गया पूरे बिहार में उनके भाई के द्वारा, सब में पैसा कहीं ना कहीं घपला किया गया है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको कहना चाहते हैं कि हमें नहीं लगता कि ये मुकेश सहनी मलाह का नेता है। उनके अंदर मलाहों का खून नहीं है। उनके अंदर मुंबई में रहने के बाद उनके अंदर राज ठाकरे का खून दौड़ने लगा है, क्योंकि मलाह जुबान के बहुत पक्के होते हैं। ये कभी आरएसएस, कभी बीजेपी की विचारधारा पर चलकर मलाई काटने के लिए सत्ता में आके बैठ गए, 12 महीने तक मलाई काट लिए। अब देखिए कि 5 महीना और हमारे स्थिति का बचा हुआ है, 5 महीने बाद एमएलसी भी नहीं रहेंगे, मंत्री भी नहीं रहेंगे, तब ये लालू जी के विचारधारा पर चलने का बात करते हैं। वीआईपी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी युवा और सभी मेन विंग के जितने भी, हर एक समाज के लोग जो है, सब मुकेश सहनी से बहुत नाराज है। और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से यह मांग करना चाहते हैं कि मुकेश सहनी जी को जब से एक साल में जो कार्यकाल उनको मिला है, तब से उन पर जितने भी उनके द्वारा अनुशंसा जो काम किया गया है, किसी भी काम को लेकर, चाहे वो गाड़ी बांटने का काम हो गया, चाहे फिर ट्रांसफर पोस्टिंग का जो काम हो गया, उसमें जितना भी करोड़ का घोटाला, उसका जांच करवाया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। हम लोग छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वीआईपी पार्टी के ही, हम लोग विरोध करने के लिए इसलिए मजबूर हुए हैं क्योंकि हम लोगों ने देखा उनका तरह सारा भैया, वो एक प्राइवेट दुकान खोल कर बैठ चुके हैं।
प्राइवेट दुकान के साथ साथ वो टिकट बेचने का भी काम लगातार कर रहे थे 2020 के विधानसभा चुनाव में भी। उसका मैं प्रमाण मेरे पास भी है। सिमरी बख्तियारपुर में मिथिलेश मुखिया से उन्होंने 50 लाख रुपया ले लिया था। वो आदमी अगर हम लोग के पास रोता था कि 50 लाख ले लिया, 3 करोड़ का डिमांड मुकेश सही कर रहा है। जो ये दिखावा करते हैं कि मेरे पास मुंबई से मैं आया हूँ, बिहार के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, मैं समाज का नेता बनना चाहता हूँ, कुछ नहीं करने वाला है, ये बस एक ठग नेता है। इन्होंने बिहार की जनता को सिर्फ ठगा है और ये अपने सत्ता के लालच के लिए किसी को भी ठग सकते हैं। कल तक मौसा कोई और था, आज कोई और बन चुका है। हालांकि मैं अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम चाहते हैं। सुबह भी फोन आया, हमको लगा कि आज लगता है कि उनको समझ में बात आ गया होगा, तो अपने फैसले पर रहेंगे। बीजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता जो नाराज है उनसे, जो पार्टी के बिखराव को रोकने में मतलब मदद कर सकते हैं मुकेश सहनी जी। लेकिन मुकेश सहनी जी का सीधा कहना था कि हम जो करेंगे अकेले करेंगे, हम दुकान चलाते हैं अपना, अपने दुकान के माध्यम से ही लोगों को ठगेंगे, सीधा उनका कहना है। प्रमाण है कोई? प्रमाण है हमारे पास। क्या प्रमाण? देखिए ये 109 लोगों का लिस्ट है। इस पे अगर बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी अगर जांच बैठा दे, तो ये पशुपालन जो चाया घोटाला जो हुआ था लालू यादव जी के रीजन में, उससे बड़ा घोटाला होगा। उससे बड़ा घोटाला करने का काम मुकेश सहनी जी ने 1 साल के अंदर किया है। मुंबई के सारे टीम को लाकर यहाँ बैठा दिया है, और बैठाने के बाद जितने भी जो करप्शन हो रहे हैं, सबसे ज्यादा करप्शन हमको लगता है एनडीए सरकार में कभी अगर हुआ होगा इस 1 वर्ष में, तो पशुपालन में मत्स्य मंत्रालय में हुआ है। कितना अनुमान लगा रहे हैं? मेरे अंदाज से 109 लोग का था, तो इसमें तो करीब 20 करोड़ का था। पत्र लिखेंगे आप राज्यपाल को, मुख्यमंत्री? राज्यपाल को भी हम लोग पत्र लिखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग पत्र लिखेंगे, और हम लोग मांग करेंगे कि इस मंत्रालय का, पशु एवं मत्स्य मंत्रालय का, इस पर जांच बैठाया जाए, और 1 साल में जितने भी इन्होंने करप्शन का काम किया है सब पे जांच बैठाया जाए। अगर ये दोषी पाया जाता है तो इनको जेल भेजा जाए, इनको कोई सत्ता में ना ले। ये लोग सिर्फ बिहार को बदनाम करने के लिए, बिहार को बर्बाद करने के लिए सत्ता में जुड़े हैं। इनका काम है कि बस आओ कहीं पर भी जाओ लूट लो 5 पैसा। उनके समाज में बहुत सारे गरीब वंचित लोग भी हैं। करने का इनका काम क्या है? तो अपने समाज के लोगों को ठगने के लिए क्या करते हैं कि पहले लोटों का थोड़ा बारिश कर दिए, दिखा दिए कि हम तो आपके हितैषी हैं, हम खून बहा देंगे। अरे खून तो उन्होंने बहाया, निषाद समाज के भाइयों ने, अन्य समाज के भाइयों ने जो वहाँ पे लड़ा। तो आपने विकास बॉक्सर को सुना, और देखिए जरा यूपी चुनाव होने वाला है, यूपी चुनाव को लेकर ऐसे भी मुकेश सहनी पर ही आरोप लगते आ रहे हैं कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उनका बयान आया था कि वो तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई बताते हैं। और इधर एनडीए के गठबंधन में भी है, यानी कि सत्ता पक्ष में बिहार में है, लेकिन वही अगर यूपी की बात कर रहे हैं तो यूपी में वो बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं, बीजेपी से अलग जाकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, और लगातार बयानबाजी का दौर भी चलता आ रहा है। लेकिन ऐसे में अब खुद वीआईपी के ही नेता उन पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि मुकेश सहनी विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर वसूली करते थे, और अब उसी वसूली के पैसे से यूपी चुनाव में खर्च कर रहे हैं, यूपी चुनाव का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यह अपने आप में ही बहुत बड़ा आरोप है, और कहीं ना कहीं मुकेश सहनी अब पूरी तरीके से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि इस पूरे मामले पर मुकेश सहनी क्या कुछ सफाई देते हैं। आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।